ओके सो हाय गाइस, वस्सा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं कि गाइस आप इंस्टाग्राम की रील अपनी कैसे एडिट कर सकते हो, वो भी हिम्मत सिंह जैसा। क्योंकि यार मैंने सोचा यार कि मतलब मैं आप सभी को हिम्मत सिंह के सारे कॉन्सेप्ट तो सिखाता ही हूं और मतलब कि उसमें आप कैसे एडिट कर सकते हो सब कुछ तो मैं आप सभी को बताता ही हूं। बट यार मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि यार आप सभी को क्यों ना उनकी जैसा सेम टू सेम रील एडिट करना भी सिखा दूं मैं। तो मैं आप सभी के लिए वीडियो मैंने बना दी है और आप में से कुछ भाई मेरे को बोल भी रहे थे कि भाई हमें हिम्मत सिंह जैसा रील एडिटिंग भी सिखा दो। तो मैंने सोचा कि ना चलो आपके लिए एक वीडियो बना ही देते हैं इसके लिए, ताकि यार आप सभी को थोड़े हेल्प हो जाए इंस्टाग्राम आपका अकाउंट ग्रो करने के लिए। एंड गाइज ये तो मैं आपको इस वीडियो में आज बता ही दूंगा कि मतलब कि आपको अपनी रील कैसे एडिट करनी है। बट गाइज अगर आप में से किसी भाई का अगर यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं हो रहा होगा तो गाइज आप मेरा दूसरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हो, आपको मैं लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आई बटन में, आप वहाँ जाके चेकआउट करना। आपको यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम दोनों को दोनों से रिलेटिव आप सभी को वहाँ पे टिक्स एंड ट्रिक में बताता हूँ, तो आप जाके चेकआउट जरूर करना। तो चलिए गाइज आज की इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को जब अपनी रील एडिट करने के लिए जिस एप्लीकेशन का यूज़ करना है गाइस उसका नाम है VN एप्लीकेशन। आपको इसको इजीली प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कर लेना है, आपको इजीली ये एप्लीकेशन मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है। देन आपको इसको ओपन करना है, आप सभी को इस प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके आपको इसलिए ओपन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पर आपकी जो भी वीडियो होगी आपको उसको सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है एंड नीचे से आपको ब्लू आइकन जो दिख रहा है आपको सिंपली इस पर टाइप करके आपको इसको कुछ इस टाइप से कर देना है। एंड उसके बाद आप सभी को गाइस कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। फिर उसके बाद गाइस आप सभी को अगर अपनी वीडियो को जूम करना है तो गाइस इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने इस लेयर पर टैप करना है एंड उसके बाद आपको दोनों फिंगर से प्रेस करते हो कुछ इस टाइप से ऐसे जूम करना है। एंड उसके बाद गाइस इसमें क्या करना है, मेरे को थोड़ा सा इसमें कुछ वेस्ट एरिया है काफ़ी तो उसको मेरे को कट करना है। बट उसको कट करने के लिए आप सभी को क्या करना है, आप सभी का जो भी एरिया जहाँ से आप सभी को कट करना है गाइस आपको सिंपली उस जगह पर जाना है, ठीक है। एंड जैसे कि यहाँ पे एंड उसके बाद आप सभी को नीचे गाइस जो ट्रिम का ऑप्शन दिख रहा है आप सभी को नीचे कैंची टाइप का आपको सिंपली इस पर टाइप करना है तो एक गाइस दो लेयर हो जाएंगी। फिर आप सभी को जो लेयर नहीं चाहिए आपको उसको सिंपली डिलीट कर देना है एंड उसके बाद आपको आगे की तरफ मतलब थोड़ा सा और है मेरे को जो एरिया नहीं चाहिए तो सिंपली आपको ट्रिम वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे एंड उसके बाद ट्रिम वाला ऑप्शन क्लिक करके एंड ऊपर से इस पर टाइप करना है एंड आपको एक डस्टबिन वाला ऑप्शन देखिएगा आपको सिंपली डिलीट कर देना है। एंड इसके बाद गाइस ये वाली जो लेयर है आपको इसको भी डिलीट कर देना है, नहीं तो अगर आप इसको डिलीट नहीं करोगे तो इसका वाटर मार्क आपकी वीडियो में आ जाएगा, तो हम इसको डिलीट करते हैं। देन गाइस आप जो आगे का प्रोसेस है जो क्या करना है, आप सभी को सिंपली अगर आपको जो कोई फोटो ऐड करनी है यहाँ पे तो आपको इस प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे गाइस आपको फोटो वीडियो का दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको इजीली यहाँ पे आपकी जो भी फोटो है आपको पहले उसको ऐड कर लेना है। तो गाइस मैं पहले अपनी जो दूसरी फोटो है मैं उसको यहाँ पे ऐड करता हूँ। सो गाइस हमारी वाली फोटो पे ऐड यहाँ पे हो चुकी है, आप इसको जूम करना चाहते हो सेम वही तरीका जो मैंने आपको बताया था डबल प्रेस करके। फिर उसके बाद गाइस हमें इसको फिर उसके बाद एक दूसरी जो हमारी एडिट वाली फोटो है मैं यहाँ पे सिंपली इसको ऐड कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो एडिट वाली फोटो को ले लेता हूँ यहाँ पे। सो गाइस यहाँ पे हमारी एडिट वाली फोटो भी आ चुकी है। बट गाइस आप सभी को अब क्या करना है, आप सभी को सिंपली मतलब कि जो आगे की बीच वाली लेयर होती है जो उसको गाइस जो हमारी मतलब जो फोटो हमने क्लिक की होती है उसकी लेयर हमें छोटी रखनी होती है तो हमने उसको छोटी कर लिया यहाँ पे। तो गाइस मैं थोड़ी सी आप सभी को वीडियो को चला के दिखाता हूँ। अभी गाइस आप सभी को वीडियो इतनी खास नहीं लगेगी बिकॉज गाइस इसमें अभी म्यूजिक नहीं है, बट गाइस अभी हम इसमें फॉन्ट और जब म्यूजिक ऐड करेंगे तो आपने काफ़ी अमेजिंग लगेगी। तो गाइस आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करके आपको यहाँ पे एनिमेशन वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ से आप सभी को काफ़ी सारे टैक्स मिल जाएंगे, आपको जोन से भी मतलब कि आपको टैक्स चाहिए आप उस टाइप का ले सकते हो। तो गाइस मैं अभी यहाँ पे ब्लॉग 01 वाला लेता हूँ ये, ठीक है। तो ये वाला लेते हैं एंड इसके बाद यहाँ पे हम सिंपली जो हमारा आपके जो कॉन्सेप्ट का नाम होगा आपको वो रखना है। तो गाइस मेरे इस कॉन्सेप्ट का नाम था गाइस हैकर मास्क, ठीक है। तो मैंने कल ये फोटो अपलोड की थी अपने इंस्टाग्राम पे एंड अगर आप में से गाइस अभी तक मुझे किसी ने जिस भाई ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो गाइस इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर आप चेकआउट जरूर करना, मैं काफ़ी अमेजिंग फोटोज डालता हूँ वहाँ पे। तो बाकी अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे हैकर मास्क हमने टाइप कर लिया है, अब क्या करने का जिसमें आप सभी को अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे परफेक्ट है। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, अब इसको आपको जिस एरिया में चाहिए जिस जगह आपको चाहिए आपको सिंपली यहाँ पर ऐड करना है इसको कुछ इस टाइप से एंड यहाँ पे गाइस आप सबको फिर यहाँ पे डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है जो आपको ऊपर की तरफ दिख रहा होगा साइड में एंड यहाँ पे आपको डन करना है। एंड यहाँ पे गाइस इसको हम थोड़ा सा जो साइज़ होगा इसका मतलब कि वीडियो में कितनी देर चाहिए आपको उसको अपने हिसाब से रख लेना है। तो मेरे को यहाँ पे थोड़ा कम चाहिए तो उसको मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से कम करता हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पे एंड ये थोड़ा सा कम दिख रहा है तो उसको हमें थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप सभी को कुछ इस टाइप से ऐसे कर लेना है। देन गाइस उसके बाद आप सभी को अपने यहाँ पे इसकी जो वॉल्यूम है इसको मैं जीरो कर लेता हूँ क्योंकि हमें वॉल्यूम नहीं चाहिए इसका क्योंकि हम म्यूज़िक ऐड करेंगे। तो गाइस यहाँ पे परफेक्ट है। अब गाइस यहाँ पे हमें एक चीज़ और करनी है जो कि हमें गाइस बीच में लिखना होता है पोज़, ठीक है, जो कि पोज़ लिखना होता है। तो यहाँ पे हम उसको टेक्स्ट पे चलते हैं वापस से, सॉरी गाइस म्यूज़िक पे नहीं टेक्स्ट पे जाना आप सभी को। यहाँ पे हम कट करते हैं इसको एंड यहाँ हम जाएंगे टेक्स्ट पे एंड इसी वाला टेक्स्ट पे जाएंगे एंड इसके बाद आप सभी को यहाँ पे कोई सा भी फॉन्ट ले लेना जो आपको अच्छा लगे।
तो हम ये ले लेते हैं। एंड गाइस यहाँ पे आपको सिंपली टाइप कर देना पोज या जो भी आप टाइप करना चाहो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं एंड उसके बाद आपको नीचे डन, इस पर कोई सा फोन जो अच्छा लगे इनमें से आप सिलेक्ट कर लेना। एंड बाकी हम यहाँ से नीचे डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं एंड इसको हम यहाँ पर डन कर देते हैं, ठीक है। तो इतना करने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, तो पहले हम इसके यहाँ पर डन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको इसका जितना भी साइज़ आप रखना चाहो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, बट आपको वीडियो के हिसाब से रखना है। एंड उसके बाद आप सभी को ईजिली क्या करना है, आपको वैसे एक बार वीडियो को चला कर देख लेना है कि आपकी वीडियो कैसी बनी है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे एंड कुछ इस टाइप से, तो वह ये पोज वाला जो ऑप्शन था हमारा ये थोड़ा बीच में रह गया, बट आपको उसको सेट करना है, हमें किस जगह पे रखना है वो आपको देख लेना है, ठीक है। तो मैं गाइस जो इस तरफ मेरे को स्पेस दिख रहा है अपनी फोटो में, तो मैं इस टाइप इस जगह रख लेते हैं। एंड इसके बाद गाइस यहाँ पे आपको थोड़े से कुछ एनिमेशन वगैरह भी डालने हैं अपनी फोटो अपने इस वीडियो में, तो वो सब आप सभी को कैसे डालना है वो भी मैं बता देता हूँ। तो आप सभी को जैसे कि गाइस यहाँ पे इतना हम कर लेते हैं, पहले यहाँ पे इतना परफेक्ट है, पहले देख लेते चला के, ठीक है। तो यहाँ परफेक्ट है, अब हमें गाइस एनिमेशन जो जहाँ डालना है आपको पहले उस लेयर को सिलेक्ट करना है, ठीक। लेयर को सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपको ये एफएक्स वाला ऑप्शन में जाना है एंड उसके बाद गाइस आपको स्क्रॉल करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर जोन सा एनिमेशन मतलब ठीक लगे गाइस, ठीक है, जोन सा इफेक्ट आपको अच्छा लगे वो आप सभी को यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि गाइस यहाँ पे हम ये वाला लेंगे, ठीक है, तो ये वाला लेते हैं। एंड उसके बाद गाइस आपको कुछ जितना आपको जितने वीडियो में जितनी देर का चाहिए आप उसको यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे को यहाँ इस लास्ट की तरफ में चाहिए थोड़ा सा, तो मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ। एंड इसके बाद हम यहाँ थोड़ा चला के देखते हैं एंड यहाँ परफेक्ट है। अब इसमें भी गाइस थोड़ा सा एनिमेशन चाहिए हमें, तो इस फोटो में हमें यहाँ पे से चाहिए, तो उसके बाद हमें थोड़ा सा ये वाला एनिमेशन लेना है, थोड़ा सा ये वाला, ठीक है, तो ये वाला रखते हैं हम। एंड यहाँ मेरे को बीच में ही चाहिए, तो बीच में ही रख लिया हमने। आपको जिस तरफ चाहिए हो आप उस तरफ रख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, हम इसे थोड़ा चला के देखते हैं, ये हो गया। एंड उसके बाद ये ऐसे, ठीक है गाइस, तो काफ़ी अमेजिंग हमारे यहाँ पे रील बन चुकी है। तो अब उसके बाद इसमें थोड़े से कुछ क्या करना है, आप सभी को यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, तो आपको एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड आप सभी की जो गाइस ये वीडियो होगी वो एक्सपोर्ट होने लग जाएगी। तो गाइस ऐसा करते हैं, आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइस मिलता हूँ आप सबसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।